हम जिससे कहेंगे वही अनम्यूट होके आंसर देगा. ओके मतलब म्यूट रहना. यस मैम. यस सोनाक्षी पाल. सोनाक्षी बेटा इसका आंसर आपने कैसे राइट किया था? He helped his family by selling food and bringing food and money. Good. He helped his family by selling wood. Selling बेचकर wood बेचकर लकड़ियां बेचकर अपने family की सहायता करता था और क्या लाता था? And bring food and money. Okay? तो his family वो अपने family के लिए फूड लाता था और मनी लेके आता था लकड़ी बेचकर. इस तरह से वो अपने फैमिली की सहायता करता था. जिसने भी नहीं राइट किया राइट कर लेंगे. ओके ही हेल्प हिज फैमिली बाय सेलिंग फूड एंड ड्रिंक्स फूड एंड मनी फॉर हिज फैमिली. ओके सबको आवाज जा रही है ना? आगे क्या था? Yes, ma'am. How did Sam help the old man and the little girl? Sam ने जो old man था उसका और जो छोटी लड़की थी उसकी सहायता कैसे की थी? तुमने स्टोरी पढ़ा था उस दिन ना? चल दिव्या बता इसका आंसर क्या होगा. दिव्या वर्मा यू टेल. फिर इसका आंसर क्या होगा? How did Sam help the old man and the little girl? रूली इसका आंसर क्या होगा? दिव्या बेटा माइक ऑन करके बोलिए इसका आंसर क्या होगा. बेटा इसका आंसर कौन बताएगा? हैंड शो कर सकते हैं. किसी को नहीं पता इसका आंसर. आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा ही नहीं सही से. बाद में आपने वीडियो भी नहीं देखा स्टोरी का. मैम बताएं नहीं तो आप नहीं बताओगे. कुल आप ही बता रहे हो. अंकुर यू टेल इसका आंसर क्या होगा? किसी को नहीं बताया. मैम किसका? सेकंड का. हाउ डिड सैम हेल्प द ओल्ड मैन एंड द लिटिल गर्ल? यस मैम. बोलिए बताएं. यस मैम हम बताएं. यस राशि. राशि दिव्यांशी उठा बेटा. दिव्यांशी आप बताइए. He helped the old man and the little girl by giving food and water. Good. He helped the old man and the little girl again by giving them food and water. Food and water. कैसे राइट करेंगे? कनीश फातिमा यू टेल. कनीश सुन के तो बोल दिया करो आप लोग. यस मैम. बोलिए दिव्यांशी ने क्या बताया अभी इसका आंसर? मैम बोलिए बेटा. मैम फूड एंड वाटर. बस आपने इतना ही सुना फूड एंड वाटर. आगे नहीं सुना दिव्यांशी ने क्या बोला. बेटा आप यहाँ बैठ के ध्यान से सुनना चाहिए आपको कौन क्या बोल रहा है ना. प्राची आप बताइए बेटा दिव्यांशी ने क्या बोला इसका आंसर? प्राची यूटेल. प्राची सिंह आपसे बोल रहे हैं. माइक ऑन करके बोलिए इसका आंसर दिव्यांशी ने क्या बताया?
वाले वीडियो ऑन करिए। आपने सुना ही नहीं कि दिव्यांशु ने क्या बोला। यस रवि, आप बताइए बेटा। रवि रवि बेटा, सबको इसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं बोलो क्या राइट करोगे, फिर बोल ही नहीं रहे हो। प्राची बेटा बोलिए, आप क्या राइट करेंगे। नहीं पता किसी को, ऋषभ आप बताइए बेटा क्या राइट करेंगे यहाँ पर। ऋषभ तिवारी, बेटा आपको स्टोरी समझ में नहीं आई थी क्या उस दिन, बोलिए। बेटा आप लोग को स्टोरी आई थी समझ में क्या होती है। बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? वन सेकंड का। हाँ सेकंड का। Sam helped the old man and the little girl by giving water and food. By giving them water and food and water. Okay? Old man को food दिया था और little girl को water दिया था। तब write करना Sam helped the old man by giving them. Sam helped the old man and the little girl by give them food and water. Okay? क्या करना है? सम वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, रिराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। ये भी आपको उसने बताया गया था करने के लिए, होमवर्क भी दिया गया था। यस मैम। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको फिर से करेक्ट करके राइट करना था। जैसे यहाँ पर आए सैम कुड फाइंड वाटर एवरीवेयर, क्या ये सही है सेंटेंस? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या राइट करेंगे सही करके कैसे? आप नहीं बताओगे दिव्यांशी, आप नहीं बोलोगे, कोई दूसरा बताएगा। गरिमा बता, आप बताइए। गरिमा बेटा आप बताइए यहाँ पे क्या राइट करेंगे। गरिमा यहाँ पे क्या राइट करेंगे? श्याम फाइन वाटर। आचल सही से बैठो, आचल सही से बैठिए। फाइंड वाटर कुड एवरीवेयर। नो, आपका सेंटेंस रॉन्ग है। मैटर नहीं बेटा, आप बीच में नहीं बोलोगे। सोनाक्षी आपसे कहेंगे तो आप आंसर देना। ओके तनीज, यू कैन तनीज फातिमा। मैम राम हैज आचल म्यूट करिए, मैं आपको हम करते हैं बाबा म्यूट हो जाते हो, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, म्यूट करिए जल्दी से बाबा। हम करते हैं आप अनम्यूट होकर आवाज कर देते हैं, थोड़ा भी म्यूट करिए अपने आपको। ओके,
कनीर आप कैसे आवाज आती है, म्यूट करें आपको जल्दी से, म्यूट करिए। ओके अभी किसी के यहाँ से आ रही गरिमा, मेरा म्यूट करिए गरिमा। सोनाक्षी म्यूट करिए अपने आपको जल्दी से। ओके अब जिससे कहेंगे वही अनम्यूट होकर आंसर देगा। ओके बोलना नहीं कोई बीच में। यस अंकु बेटा अनम्यूट होकर इसका आंसर दीजिए, यहाँ पे क्या राइट करेंगे। Sam gave water to girl. Sam could not find water anywhere. आपको ऐसे राइट करना है। मतलब मैं क्या कर रहे हो आप, सही से बैठो। Sam could not find water everywhere. Okay? आगे देखिए। He saw an old man sitting on a rock. क्या सही है सेंटेंस? No man. महिमा you tell. महिमा मैम नो चैट में गलत राइट करके सेंड कर सकते हैं। फिर अभी क्या राइट करेंगे? महिमा राशि आप बताइए। राशि राशि यू टेल मुझे चुप कर यार। Man is sitting under the tree. Okay. He saw an old man sitting under the tree. Good. आगे देखिए। Sam met a man who wanted wood to make furniture. Sam ने एक आदमी से मिला जो कि wood चाहता था furniture बनवाने के लिए। क्या सही sentence? गौतम आपको मूव कर रहे हैं यहाँ से, हम आप पढ़ नहीं रहे यहाँ से घूम रहे हो, हो ही नहीं कहाँ पे गायब हो, पता नहीं कहाँ पे हो। सही से बैठिए। अंकुर तो माइक ऑन करके बोलिए यहाँ पे क्या राइट करेंगे। जल्दी बोलिए बेटा अंकुर। अंकुर सुनाशी आप माइक ऑफ करिए, अपना आवाज आती है आपके यहाँ से, माइक ऑफ करिए। म्यूट कर लीजिए, हम म्यूट कर रहे हैं आपको यहाँ से। ओके इसका इतनी आवाज आ रही है। अभी भी आ रही है। ओके बेटा जिसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है आप लोग म्यूट कर लो, हम म्यूट करें अनम्यूट होकर आप लोग कर लेते अपने आप को। बेटा अच्छा म्यूट करिए अपने आप को, मैम चैट पे आंसर लिख के सेंड कर सकते हैं। नहीं बेटा चैट में नहीं सेंड करना है आपको, आप होमवर्क करके सबमिट करना, आपसे कहेंगे तो आप यहाँ पे बता सकते हो हैंड शो करके। यहाँ पे राइट करेंगे, चलिए दिव्यांश यहाँ पे क्या राइट करेंगे दिव्यांश से यू टेल।
मैम फार्म मीट एंड अ मैन हु वांट टू मेक बफाइल। बेटा बताइए सलोनी सोनाक्षी। Sam met a man who wanted wood to make bonfire. Yes. आगे देखिए। The old man and the girl smiled at the Sam. क्या old man और little girl ने Sam को देख के मुस्कुराया? उसपे smile किया? No, ma'am. क्या किया था? उसको thank किया था, thank you बोला था उसको। तो यहाँ पे कैसे write करेंगे? यस बताइए। ओल्ड मैन। यस सोनाक्षी। द ओल्ड मैन एंड द गर्ल थैंक्स एट सैम। ओके बेटा महिमा महिमा सामने देखिए। तो आगे देखते हैं। आपको यहाँ से आज करना है ये वाला सी। Let's go beyond the story. इसमें है give us suitable title of the story. आप जो स्टोरी पढ़ा अभी श्याम की उसको आपको एक नेम देना है। बेटा पहला क्या कर रहे हो आप? सही से बैठो। तो यहाँ पे जब आपने स्टोरी पढ़ा श्याम की उसको एक नेम देना है तो आपको आप खुद से नेम देना है। ओके यस अंकुर कहना चाहते हो? चलिए बोलिए अंकुर क्या कह रहे हो आप। अंकुर वीडियो ऑन करिए। यस अंकुर बेटा आप इस स्टोरी को क्या नेम दोगे? क्या बेटा गुड बॉय श्याम। श्याम आगे क्लियर नहीं हुआ क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलिए। बेटा आप क्या बोले सुनाई नहीं दिया? अंकुर गुड बॉय। गुड बॉय ओके। और बेटा आप क्या दोगे? लास्टली माइक ऑन नहीं बोली आप क्या नेम दोगे स्टोरी को? सैम इज हेल्पर्ड मैन। सैम इज हेल्पर्ड मैन। हेल्पफुल बॉय कर सकते हो। आ हेल्पफुल बॉय आप ऐसे राइट करना। आ हेल्पफुल बॉय ओके। यस रवि बेटा आप क्या दोगे? रवि बेटा आप इस स्टोरी को क्या नेम दोगे? यस महिमा वारी यू टेल। सैम इज वेरी गुड बॉय। सैम इज वेरी गुड बॉय गुड। आगे यस आचार्य बेटा आप क्या नेम दोगे? कनीज। यस कनीज सैम इज गुड बॉय। ओके सलोनी चौहान। सलोनी चौहान बेटा आप क्या नेम दोगे स्टोरी को? सैम इज गुड बॉय। सैम इज अ गुड बॉय ओके। कार्तिक बेटा आप क्या नेम दोगे स्टोरी को? माइक ऑन करके बोलिए आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन करके बोलिए जल्दी से। सैम इज गुड बॉय। यस महक आप क्या नाम दोगे? महक चल आप अपने को म्यूट मत अनम्यूट मत किया करो। आपके यहां से बहुत आवाज आती है। जो आपसे कहेंगे तभी अनम्यूट होके आंसर देना ओके। म्यूट ही रहना आवाज नहीं है। आपके यहां से आवाज आ रही थी। यस महक बेटा वीडियो ऑन करके बोलिए आप क्या नेम दोगे स्टोरी को? मैम वन इज
बॉय क्या समझा गुड बॉय मैम ओके यस सोनाक्षी आप क्या नंबोगे Sam is helpful boy. Good. Sam is a helpful boy. और गरिमा यू टेल बेटा आप कौन सा नेम दोगे स्टोरी को गरिमा नहीं सुन रही है दिव्या दिव्या मेरा माइक ऑन करके बोलिए आप स्टोरी को क्या नेम दोगे काइंड बॉय गुड और किसका डरना है दासी का हो गया अभी भी बताया मोहित यू टेल बेटा आप कौन सा नेम दोगे मोहित मोहित गुप्ता मैम गुड बॉय ओके दिव्यांशी यू टेल मैम द बॉय ओके तो आपको यहाँ पे स्टोरी को नेम देना है आप यहाँ पे राइट करना आपने जो बताया अभी जो नेम आप वही नेम राइट करना ओके यहाँ पर आगे देखिए राइट फोर वर्ड्स डिस्क्राइबिंग श्याम राइट फोर वर्ड्स आपको फोर वर्ड्स राइट करने हैं ऐसे फोर वर्ड्स राइट करने हैं क्योंकि श्याम को डिस्क्राइब कर रहा हूँ श्याम की विशेषता को बता रहा हूँ ओके आपको फोर एडजेक्टिव वर्ड राइट करने हैं जो कि श्याम को डिस्क्राइब करता हूँ श्याम को डिस्क्राइब कराते हुए आपको फोर एडजेक्टिव वर्ड्स राइट करने हैं ओके तो श्याम के लिए हम कौन से एडजेक्टिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे क्या बताइए अंकुर श्याम के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव वर्ड्स यूज करेंगे आपको एक वर्ड बताना कोई एक वर्ड चाहे जो एडजेक्टिव वर्ड हो क्योंकि तो श्याम के लिए हम यूज कर सकते हैं स्टोरी पढ़ के आपने समझा श्याम के बारे में जाना तो श्याम के लिए आप क्या यूज कर सकते हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको फोर वर्ड्स राइट करने हैं श्याम के लिए वो तो बताएगा इसको अपना हैंड शो कर सकते हैं इसको जो इसका आंसर बता सकते हैं और कोई सोनाक्षी के सोनाक्षी तो कर सकते नहीं है सोनाक्षी बोली या सोनाक्षी आप बताइए Sam is helpful boy बेटा आपको सेंटेंस राइट करना है आपको केवल फोर वर्ड राइट करने हैं ओके जैसे आप हेल्पफुल राइट कर सकते हो एक वर्ड हो गया हेल्पफुल ओके आपको सेंटेंस नहीं राइट करना कि Sam is a helpful boy Sam is a good boy ऐसा नहीं करना आपको केवल वर्ड राइट करने हैं तो आपका हेल्पफुल जो है एडजेक्टिव वर्ड है तो आप हेल्पफुल राइट कर सकते हो हेल्पफुल एक वर्ड हो गया और दूसरा वर्ड महिमा आप बताइए बेटा मैम यूजफुल बाय यूजफुल यूजफुल नहीं होगा हेल्पफुल यूजफुल तो नहीं हो सकता है यूजफुल हम थिंग्स के लिए कर सकते हैं यूज ना यस ओके बताएगा इसका अंकुर यू टेल आप बताइए कोई वर्ड्स जो कि श्याम को डिस्क्राइब कर रहा हो जल्दी बोलिए एक हेल्पफुल हो गया और राशि आप बताइए बेटा माइक ऑन करके बोलिए बेटा राशि Sam cut wood for family. अब बेटा ऐसे नहीं बोलना आपको क्यों वर्ड्स बोल रहे हैं सेंटेंस में आके नहीं बोलना है यस दिव्या बोले दिव्या दिव्या हैंड को कर दीजिए क्या बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है म्यूट हो आप फिर से अनम्यूट होके बोलिए आपकी आवाज नहीं क्लियर हो रही है सलोनी गुड
आप गुड बोल रहे हो ना, गुड भी राइट कर सकते हो। यस सलोनी चौहान, सलोनी चौहान हैंड शो कर रहे थे अपना, बताइए क्या बताओगे आप। सलोनी दिव्यांशी यू टेल मैम गुड बॉय। गुड बॉय ओके, आप लोग राइट कर सकते हैं हेल्पफुल कॉमा गुड कॉमा काइंड, काइंड भी कर सकते हैं, दयालु, दयालु था ना श्याम, दूसरों की सहायता करता था हमेशा, तो भी काइंड भी आप राइट कर सकते हो। हेल्पफुल हो गया नंबर वन, हेल्पफुल नंबर टू गुड, नंबर थ्री काइंड, एक आपको और राइट करना है, आप हॉनेस्ट राइट कर सकते हो, हॉनेस्ट ओके ईमानदार, तो हॉनेस्ट भी राइट कर सकते हो ओके, गुड हेल्पफुल काइंड हॉनेस्ट, ये फोर वर्ड आपको राइट करने से आपको डिस्क्राइब करवाते हुए ओके। आगे देखिए थर्ड में, हैव यू एवर हेल्प एनीवन, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है, हू डिड यू हेल्प, आपने किसकी सहायता की, हाउ डिड यू फील आफ्टर हेल्पिंग हिम और हर, आपने उसकी सहायता करने के बाद कैसा फील किया, आपको राइट करना, खुद से आपको राइट करना है, क्या आपने कभी किसी की सहायता की और किसकी सहायता की, वह कौन था और आपने उसकी सहायता, आप उसकी सहायता करने के बाद आपने कैसा महसूस किया, आप कैसा फील कर रहे थे उसकी सहायता करने के बाद, तो आपको इसको राइट करना है खुद से ओके। चिताइए कोई इसका आंसर, सोनाक्षी पाल मैं आप ही बता दो इसका आंसर, आप कैसे राइट करोगे, ओके बेटा आप लोग इसको सोचना फिर इसको राइट करना ओके। यस मैम, राइट करना है, हैव यू हेल्प एनीवन, क्या आपने कभी किसी की सहायता की, हु डिड यू हेल्प, आपने किसकी सहायता की और कौन है जिसकी आपने सहायता की, हाउ डिड यू फील आफ्टर हेल्पिंग हिम और हर, और उसकी सहायता करने के बाद आपने कैसा किया ओके। आप सभी को इसको कंप्लीट करना है, इसको भी फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, आपके थ्री क्वेश्चन जो आज करने हैं अभी सेशन एंड होने के बाद ओके। गरिमा यस मैम, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसलिए पूछ सकते हो अभी, यस मैम, एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे है इसमें कोई भी पूछ सकते हो, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम पूछ सकते हो आप, यहाँ भी ओके। मेरा किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ओके। जिसने जिसने उसने इसको सबमिट किया था करके इस वर्क को, वो आगे का और करेंगे, और जिसने नहीं किया था उसको वो भी आज करेंगे और इसको भी करेंगे, और मुझे पता है किसने नहीं किया था, तो जो नहीं किए थे पूरा कंप्लीट करके सबमिट करेंगे आज, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ओके, यहाँ तक, और जिसने उस दिन किया था वो आगे का करेंगे आज ओके। यस बेटा, मैं फोटो भेज दीजिएगा होमवर्क, हाँ होमवर्क का फोटो हम सेंड करेंगे, डिलीट करते हैं ना अभी, अभी सेंड कर देंगे, देखिए आप लोग होमवर्क किया करो ओके सभी लोग। महक गौतम बेटा होमवर्क आज करना अभी, यस मैम ओके। गुड बाय स्टूडेंट्स, मैम गुड बाय, मैम गुड बाय, बाय बेटा।